सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स पे। एंड वर्ल्ड डायनेमिक्स से क्या बात करें, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। लास्ट वीक जितने भी सारे पेयर्स बुलिश थे, आज वो सारे पेयर्स हमें बेयरिश होते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड भी हमें बेयरिश होते हुए दिख रहा है। ओनली जीपीएसडी जो है वो हमारा बुलिश साइड पे अभी आगे बढ़ रहा है। बात करें वर्ल्ड डायनेमिक्स की, तो यहाँ पे जो इसराइल पे दोबारा से एक अटैक हुआ है हिजबुल्ला की तरफ, लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया है कि एक अटैक किसने किया है, बट इसराइल हिजबुल्ला की ओर टारगेट कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो ट्रंप भी बीच बीच में प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स अपने दे रहे हैं कि हम पावर में होते तो ऐसा वैसा नहीं होता, हमारे हमारे जो अलाइज हैं उन पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं जो ट्रंप के रूलिंग ऐसा नहीं होता। वहीं ईरान ने भी वार्निंग दे दी है इसराइल को कि अगर हिजबुल्ला पे अटैक किया तो ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दोबारा से आएगा। सो वही बात है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और पहले ये रशिया यूक्रेन था, तो अब यहाँ पे इसराइल और बाकी अदर कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है। एंड जो एक डूम्सडे क्लॉक है उसके बहुत ही एज पे हम लोग खड़े हैं। एक गलत एक्शन पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल सकता है। तो वही एक हम लोग एज पे खड़े हैं कि एक किसी गलती पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 3 में इंट्रोड्यूस करवा देगी। रही बात मार्केट की, तो मार्केट हमारा तो गोल्ड में बेयरिश चल रहा है। ऑयल अपना रेंज ब्रेक करने वाला है, डाउन साइड मूवमेंट की तरफ शुरू हो गया है। जीपीयूएसडी अपना रिट्रेसमेंट फेज में है और अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश की है। जीपीजीपीवाई 197 की तरफ मार्केट दोबारा से आई है, 197 से 198 के बीच में। यूएसडीजेपीवाई भी रिट्रेसमेंट फेज के अंदर अपने 151 से लेकर 3 तक के बीच के रीजन में सपोर्ट लिया दोबारा से। नैसडैक बेयरिश साइड पे ही है। सो ओवरऑल ज़्यादातर पेयर्स बेयरिश ही है, सिर्फ जीपीएसडी को छोड़ के। तो चलते हैं पेयर वाइज एनालिसिस की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड गोल्ड अपना रिसेंट हाई दोबारा से लगा के, रिसेंट न्यू हाई लगा के दोबारा से नीचे की ओर मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। बट मेरे हिसाब से ये दोबारा से इस रेंज में आ जाएगा। एंड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हमने देखने को मिला था 2032 का, जो मैंने लास्ट वीक आपको बोला था 2042 तक आया और मार्केट है, तो एक्यूरेट लेवल्स बताना थोड़ा ही मुश्किल होता है, रिट्रेसमेंट लेवल्स तो खासकर। तो अब जो है यहाँ से मार्केट हमें जो वीकली लेवल शो कर सकती है वो है, हमारे जो वीकली सपोर्ट है वो है 2297 से लेके 2318 तक का, एंड जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 2422 से लेकर 2429 तक का। तो मार्केट अभी रिट्रेसमेंट फेज ही में है, अभी पूरी तरीके से डाउन नहीं हुई है। डाउन होने के लिए मार्केट को ये नेकलाइन ब्रेक करना ज़रूरी होगा, तब हम लोग आइडिया लगा सकेंगे कि हाँ अब मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट हो चुकी है। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड आज मंडे है। सो मार्केट को अगर हम देखें तो लास्ट डे में काफ़ी अच्छे रिजेक्शन के साथ क्लोज की थी, बट आज गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुई है। इसका पॉसिबली यही रीज़न हो सकता है, जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई और मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट अभी हमारे पास जो रेंज ब्रेक होते हुए आई है, मार्केट ने 80.5 का रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चलने की कोशिश कर रही है। वही अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो रीसेंट सपोर्ट अब हमारा जो रहेगा वो होगा 71.68 से लेके 72.82 तक का, और वीकली रेजिस्टेंस जो हमारा रहेगा वो होगा 79.5 तक से लेके 80.5 का। मार्केट में अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, अगर सपोर्ट का अगर हम लोगों को वेट करना है तो यहाँ से एक अच्छी बाय निकल सकती है 72.5 से लेके, हम लोग दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जीपीएसडी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, आज मंडे है। सो मंडे की ओपनिंग थोड़ी वीक हुई है, मार्केट सीधा डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी पुश कर रही है, बट अभी हमारे पास जो वीकली सपोर्ट होगा वो 1.280 से लेके 1.285 तक का रहेगा। वीकली रेजिस्टेंस अभी हम 1.309 से लेके 1.313 तक का है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट जो आएगा वो होगा 1.2633 से लेके 1.266 तक का। तो अभी मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में है, सपोर्ट एरिया है, लेट्स सी सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है कि नहीं, हम
सपोर्ट एरिया ब्रेक होने के बाद आप पूरा आपकी दो कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर सकते हैं, वहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें बाय में बैठना है या फिर हमें नीचे वाले लेवल्स का वेट करना। तो ये था जीपीयूएसडी के बारे में। तो ये रहा जीपी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट ने इस सपोर्ट रीजन को भी तोड़ दिया है। और जो आज मंडे है, मंडे में जीपी थोड़ा सा वीक ओपन होते हुए दिख रहा है, जीपीयूएसडी में भी हमने देखा एंड जीपी जेपीवाई में भी हमें वीक ओपनिंग देखने को मिल रही है। मार्केट ने यहाँ से नीचे क्लोजिंग देने का, अगर मार्केट 197.3 से नीचे क्लोजिंग दे देती है डेली कैंडल का और टू कैंडल कंफर्मेशन हमें मिल जाती है, तो हमारे पास जो रीसेंट सपोर्ट वो होगा 190 से लेके 191.5 तक का। वही हमारे पास जो अब वीकली रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 200 से लेके 201 का रीजन, जो लास्ट टाइम एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, सेम इस बार भी रेजिस्टेंस से वो कन्वर्ट हो जाएगा। जीपी जेपीवाई का देख सकते हैं, जीपीवाई अभी थोड़ा स्ट्रांग होने लग गया है, जीपी भी थोड़ा वीक हो रहा है, सो इसका डबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है थोड़े दिनों। तो ये था जीपी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड हम लोग देख सकते हैं मार्केट को 161 या 162 के लेवल से जो रिजेक्शन मिली है वो बहुत ही मैसिव रिजेक्शन थी और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही है एंड हमारे पास जो अभी रिसेंट सपोर्ट इसने लिया है वो है 151.9 से लेके 152.8 तक का रीजन जो हमारा सपोर्ट लिया है। अभी भी यही सपोर्ट कायम ही है क्योंकि जब तक तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता तब तक तो हम आगे उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओवरऑल मार्केट अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो बुलिश ही है और ये रिट्रेसमेंट फेज आप कह सकते हैं कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है, यहाँ से रिट्रेस कर रही है और फर्दर आगे मूवमेंट हमें अपवर्ड की ओर देखने को मिल सकता है। ऑल्दो हमारे पास रिट्रेसमेंट भी नहीं आया है, अगर यहाँ से अगर डाउनवर्ड ट्रेंड भी जाना होता है तो हमें एक स्नेक लाइन तक का हमें रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, वो रिट्रेसमेंट की अभी नीड है। जो वीकली रेजिस्टेंस होगा अभी फिलहाल हमारा 157.1 से लेके 157.9 तक करेगा, जो लास्ट टाइम एक अच्छा सपोर्ट की तरह भी बन रहा था। तो ये था यूएसडी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा नैसडैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है एंड लास्ट टू वीक्स हम लोग देख सकते हैं मार्केट पूरा ब्लड बाथ की तरह ही आगे बढ़ रही है। अगर हम देखें जो वर्ल्ड डायनेमिक्स है, यहाँ से हमें एक देखने को मिल रहा है कि मार्केट में यहाँ पे लो प्रॉफिट अपनी बुकिंग करके अब थोड़ा डाउनवर्ड मार्केट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। नैसडैक में अब क्या सीन हो सकता है कि नैसडैक तो अब तो डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो होगा वो होगा 18,380 से लेके 18,820 तक का एंड वीकली रेजिस्टेंस तो हमारा जो ऑल टाइम हाई बना था वो 20,400 से लेके 20,600 तक का जो रीजन है वही हमारा वीकली रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट दो वीक से अच्छे खासे रिजेक्शन दे रही है, थर्ड वीक में हमें एक डोजी मिली और वहां से मार्केट कंटिन्यूस नीचे ही आ रही है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है 19,400 तक जो है, मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकती है, देन उसके बाद हमें शायद और डीप डाउन लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ये थी ओवरऑल वीडियो, ये वीडियो थोड़ी इस बार छोटी रही है क्योंकि कुछ खास मूवमेंट अभी आया नहीं है, बट खास जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो थोड़ी डरा देने वाली है क्योंकि इससे जो वर्ल्ड में जो ग्लोबल टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ रही है। जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो एक तो ट्रंप का एक अभी हायर चांसेस जो जीत सकते हैं वो यूएस प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन, वहीं जो बाइडेन की पार्टी है वो तो काफ़ी वीक दिख रही है, प्लस जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं प्लस इसराइल और हमास का वॉर है और अब हिजबुल्ला भी जो बीच में अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। एंड आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि गोल्ड थोड़ा आपको कंफ्यूज ज़रूर करने वाला है, इन सब सिचुएशंस में गोल्ड आपको थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर करेगा। ये थी फिलहाल ओवरऑल वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि उसमें न्यूज़ और थोड़े फन वे की वीडियोज़ आते रहती हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे अपडेटेड।